माननीय सभापति जी, आपकी अनुमति से मैं सिडनी और पेशावर की घटनाओं पर यह वक्तव्य दे रही हूँ। माननीय सभापति महोदय, आतंकवाद ने 15 दिसंबर 2014 को एक बार फिर अपना खौफनाक चेहरा दिखाया, जब हथियारों से लैस एक व्यक्ति ने सिडनी ऑस्ट्रेलिया में 17 लोगों को बंधक बना दिया। बंधक बनाने की यह घटना सिडनी के व्यस्ततम हिस्से सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के मार्टिन प्लेस में स्थित लिंच कैफे में वहां के स्थानीय समय 9:45 पर घटी। इस कैफे में बंधकों में दो युवा भारतीय आईटी प्रोफेशनल श्री पुष्पेंदु घोष और श्री विश्वकांत अंकी रेड्डी शामिल थे। ये वहां इंफोसिस के लिए वेस्टपैक बैंक के एक प्रोजेक्ट पर कार्य करते हैं जो इस कैफे के नजदीक है। श्री घोष एक भारतीय नागरिक हैं और श्री अंकी रेड्डी भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई नागरिक हैं। सभापति जी, हमारी सरकार श्री घोष और श्री अंकी रेड्डी की सुरक्षा के लिए ऑस्ट्रेलियाई सुरक्षा एजेंसियों के साथ लगातार संपर्क में थी। प्रधानमंत्री जी स्वयं पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए थे और लगातार निगरानी कर रहे थे। हमने समय रहते ऑस्ट्रेलियाई एजेंसियों को महत्वपूर्ण सूचना उपलब्ध करवाई जिससे उनकी पहचान हो सकी और उनकी सुरक्षा पर नजर बनाए रखी जा सकी। मैंने स्वयं दिन में 2 बार श्री अंकी रेड्डी की पत्नी से बात की और उन्हें हमारी सरकार की ओर से उनके पति की सुरक्षा के प्रति आश्वस्त किया। हम ऑस्ट्रेलिया और भारत में स्थित इंफोसिस के कार्यालयों के भी लगातार संपर्क में बने रहे। सभापति जी, ये बंधक संकट 14 घंटे के बाद 16 दिसंबर को स्थानीय समय प्रातः 2 बजे समाप्त हुआ। दोनों भारतीयों को सक्षम बचा लिया गया है और उनका स्वास्थ्य ठीक है। हम संकट की घड़ी में उनकी बहादुरी की प्रशंसा करते हैं। हम श्रीमती शिल्पा अंकी रेड्डी की बहादुरी की भी प्रशंसा करते हैं जिन्होंने संकट की इस घड़ी में कभी भी आशा नहीं छोड़ी और धीरज बनाए रखा। सभापति जी, जैसे ही बंधक बनाने की घटना प्रकाश में आई, हमने सिडनी स्थित हमारे कौंसलावास में स्थित कर्मचारियों की सुरक्षा को स्थानीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर सुनिश्चित किया। हमारा कौंसलावास इस घटना स्थल से मात्र 350 मीटर की दूरी पर स्थित है। कौंसलावास को तुरंत ही बंद कर दिया गया, लेकिन वीजा, पासपोर्ट, ओसीआई और पीआईओ कार्ड की काउंसलर सेवाओं को घटनास्थल से सुरक्षित दूरी पर जारी रखा गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कल ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री टोनी एबट से बात की और बंधक संकट से निपटने और बंधकों की रिहाई के लिए उनके कुशल नेतृत्व के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री जी ने 2 निर्दोष बंधकों की मृत्यु पर उनके परिवारजनों के प्रति भी गहरी संवेदना प्रकट की। माननीय सभापति महोदय, सिडनी में हुई ये घटना विश्व में कहीं भी हो रहे आतंकवाद के खतरे के प्रति सरकारों, समाज और व्यक्तियों के लिए एक चेतावनी है। हम स्वयं वर्ष 2001 में हमारे लोकतंत्र के इस मंदिर संसद पर हुए आतंकवादी हमले के शिकार रहे हैं। हमारी सरकार सभी प्रकार के आतंकवाद से लड़ने के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ है जिससे हम शांतिपूर्ण और समस्त समरस समाज में रहते हुए उन्नति कर सके। सभापति जी, अभी पूरब में सिडनी की हुई घटना की गूंज थमी भी नहीं थी कि हमारे पश्चिम में पेशावर में हाल ही के दिनों का सबसे बीभत्स कत्लेआम दिखने को मिला। इस अपराध का विकराल स्वरूप इस कायराना कत्लेआम से पता चलता है जिसमें कल 132 मासूम स्कूली बच्चों और 9 अन्य लोगों की निर्दयता के साथ हत्या कर दी गई। सारे विश्व ने इसकी निंदा की है। हमारी सरकार ने तुरंत कड़े शब्दों में इस आतंकवादी हमले की निंदा की। जब प्रधानमंत्री जी ने इस कायरानापूर्ण आतंकी हमले को निरर्थक, अवर्णनीय, निष्ठुर हरकत कहा, उस समय वो समूचे देश की भावना को व्यक्त कर रहे थे। संकट के इस समय में हमने सीमाओं और विवादों से ऊपर उठकर शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की है और उन तक अपनी संवेदना पहुंचाई भी है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देर रात स्वयं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से बात की और उन्हें बताया कि भारत के लोग इस हृदय विदारक समय में पाकिस्तान के लोगों और शोक संतप्त परिवारों के दर्द और उनके अवसाद में बराबर के साझेदार हैं और संकट के इस समय में उनके साथ एकजुटता के साथ खड़े हैं। माननीय सभापति महोदय, पिछले 2 दिनों की घटनाएं 2 अलग महाद्वीपों में हुई, 2 अलग-अलग गोलार्धों में हुई, हमारे पूरब और पश्चिम में हुई, पर हताशा से भरी ये दोनों घटनाएं हमें आतंकवाद का काला चेहरा दिखाती हैं। इन दोनों घटनाओं को मिलाकर देखा जाए तो ये मानवता में विश्वास रखने वाले सभी लोगों के लिए एक पुकार है कि वो मिलकर आतंकवाद का समूल नाश करें। भारत
इस विश्वव्यापी मुहिम में अपनी भूमिका अदा करने के लिए सदा तैयार है। धन्यवाद।